नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जनकपुर गांव के बाहर बने बहुत पुराना राम जानकी मंदिर के सामने बने सिद्ध बाबा के मंदिर के नीचे बना तालघर में एक अज्ञात युवक का शव मिला। सुबह जब लोगों ने देखा तो उसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में कराया। मंदिर परिसर में एक चट्टान से के चबूतरे पर खून पड़ा था तथा खून से सनी ईंटा मिले। पास में एक जोड़ी चप्पल तथा गुटखा गिलास आदि सामान मौके से मिला। संभावना जताई जा रही है कि मृतक के चेहरे को ईंट से कुचला गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रसवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। स्वाट टीम प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर रसवीर सिंह ने कहा कि एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जांच की जा रही है, जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल मंदिर के आसपास के खेतों में इस समय फसल कटाई का काम चल रहा है, जहां दिन में अक्सर खेतों में काम करने वाले की चहल पहल रहती है। क्या कुछ कहा डॉक्टर रसवीर सिंह पुलिस अधीक्षक जालौन ने, सुनवाते हैं आपको। कोच के अंतर्गत ग्राम टोपोर के आसपास की सीमा में एक धार्मिक स्थल के अंदर एक आदमी की डेड बॉडी मिली है, जिसके सिर पर ईंट से वार करना जो एफएसएल की टीम बता रही है, और उसमें जो अगल बगल में उसकी ईंट भी बरामद हुई है, जिससे उसके सिर पर वार किया गया है। शराब के कुछ पाउच और कुछ शीशी बरामद हुई हैं, जिससे लगता है कि कुछ ये लोग आपस में बैठ के यहाँ शराब पिए होंगे। किसी चीज़ को लेकर इनमें आपस में कहा सुनी हुई है, मारपीट हुई है, उसी के फलस्वरूप ये घटना हुई है। सर, ट्रेस कर रहे हैं, अभी पहचान नहीं हुई है, जो मृतक है उसकी पहचान नहीं हुई है। जैसे ही पहचान होगी केस का अनावरण किया जाएगा।